तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो कि अमरावती में आता है, तो कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। ठीक, काफ़ी पुराना कॉलेज है और काफ़ी फेमस कॉलेज है, और काफ़ी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, स्पेशल चीज़ें हैं इस कॉलेज के बारे में जो आगे जाके हम डिस्कस करने वाले, डोंट वरी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एडमिशन से लेकर आपके करियर तक ये चैनल आपके साथ है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक चीज़। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप पिक्चर देख पा रहे हैं, एक आर्टिकल है और यहाँ पर टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, अगर उसमें सबसे पहला आता है तो चेन्नई का, राइट, IIT मद्रास। ओके, इंजीनियरिंग में IIT, तो IIT दिल्ली मुंबई के नाम है, उसके बाद NIT कर्नाटका, उसके बाद VIT यूनिवर्सिटी वेल्लोर। यहाँ पर अगर हम मुंबई, ये देखिए महाराष्ट्र का इधर एक कॉलेज है बॉम्बे, उसके बाद पुणे का है, यहाँ पर देख सकते हो आप महाराष्ट्र में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे COEP। और उसके बाद अगर हम आते हैं महाराष्ट्र, नागपुर का कॉलेज है विश्वेश्वराय नेशनल इंस्टीट्यूट। ओके, उसके बाद रांची, पटियाला, मैसूर, धनबाद। मुंबई का है सांगवी, DJ सांगवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और उसके बाद हम अमरावती का, यही कॉलेज जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, उसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। तो टॉप लिस्ट में आता है 33 रैंक पे, 2018 की रैंक लिस्ट है, बराबर। ओके, तो 33 रैंक है ये, तो काफ़ी, इसलिए बोल रहा हूँ काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो देखते हैं फिर सारी चीज़ें इसमें। SVKM का भी नाम है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता दिया। तो जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती नाम है, 1964 का इस्टेब्लिशमेंट है, 1002 DTE कोड है। तो DTE की लिस्ट में नहीं, सबसे टॉप का कॉलेज है इंजीनियरिंग की लिस्ट जो है, 1002 से ही शुरू होता है सब कुछ। तो ये पहला कॉलेज है, लिस्ट में भी पहला है और काफ़ी पुराना भी है। तो DTE रीजन और डिस्ट्रिक्ट दोनों अमरावती है। एड्रेस देख सकते हो आप, नियर काथोरा नाका पिन कोड है, और वेबसाइट का भी एड्रेस है, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो कॉलेज को किसी चीज़ के लिए। तो ये ऑटोनोमस कॉलेज बन चुका है, ऑटोनोमस कॉलेज है और प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज, समझ रहे हो आप। ये पहली बार, पहला वीडियो है जिसमें स्टेटस गवर्नमेंट है। काफ़ी सारे स्टेटस तो अनएडेड थे, बराबर, गवर्नमेंट एडेड भी होंगे, लेकिन ये प्योरली गवर्नमेंट स्टेटस है यहाँ पर, और नॉन माइनॉरिटी है। तो आगे बात करते हैं हम कॉलेज के, हाउ टू रीच कॉलेज को कैसे विजिट कर सकते हो। तो अमरावती का जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड है 3-4 किलोमीटर दूर है सिर्फ, और एयरपोर्ट तो नज़दीक का बोले तो नागपुर का है, 155 किलोमीटर दूर है। BTech डिग्री मिलेगी आपको, और ये कॉलेज जो है संत गाड़गे बाबा अमरावती का जो यूनिवर्सिटी है उसको एफिलिएटेड है। ओके, तो हॉस्टल की अगर बात करते हैं, बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों अवेलेबल है। टोटल इंटेक है 520 और फर्स्ट ईयर के लिए 160 सीट्स है बॉयज़ हॉस्टल में, और गर्ल्स हॉस्टल में टोटल इंटेक है 400, फर्स्ट ईयर के लिए 100 सीट्स है। ओके, तो आगे बात करते हैं कौन से कोर्सेज यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। जैसे कि काफ़ी पुराना कॉलेज है, सिविल इंजीनियरिंग 1964 से, कंप्यूटर 1986 से है यहाँ पर। अभी तक मैंने जितने भी कॉलेज देखे तो ये सबसे पुराना कंप्यूटर मुझे लग रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1986 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पर शुरू हुआ था, कैन यू इमेजिन। तो IT 2001 से हैं, तो इलेक्ट्रिकल 1964, तो ENTC 1986, ENTC भी 1986, ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन 1996 और मैकेनिकल 1964। ओके, तो आगे बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में इस कॉलेज के बारे में। तो नो डाउट यार प्लेसमेंट अच्छा ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसा है। तो पिछले साल का हम देखते हैं, राइट, तो नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड 246 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, 73% बच्चे प्लेस हुए हैं, परसेंटेज ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स। एलिजिबल मतलब क्या होता है, एटलीस्ट जो आपको इंटरव्यू या FT में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि आपका परसेंटेज कितना है, एग्रीगेट वगैरह 3-4 साल का, वो देखा जाता है, राइट। तो उसके हिसाब से जितने भी एलिजिबल थे उसमें 73% बच्चों का सिलेक्शन हो गया। ओके, तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। उसके बाद हम प्लेसमेंट इनसाइट में देखते हैं सैलरी पैकेज कैसा है। तो यहाँ पर पैकेज की अगर बात करते हैं तो पिछले साल का मीडियन हम एवरेज देखते हैं 4.32 और मैक्स सैलरी मिल रहा है 14.5 के ऊपर लैक्स पर एनम। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे पैकेज है। तो यहाँ पर कुछ हाईलाइट्स बता देता हूँ मैं। फॉर 2021-22 मतलब पिछले साल के बैच में मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन पैकेज वॉज ऑफर, 14.5 लाख का पैकेज मिला पर एनम बाय सैमसंग रिसर्च इंडिया, इस कंपनी ने दिया, एंड INR 7.05 लाख का पैकेज मिला TCS की तरफ से। ओके,
एवरेज सैलरी 4.32 पैकेज, मीडियम 4.85। कोर कंपनीज कौन सी, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अडानी इलेक्ट्रिसिटी, टोरेंट पावर, ओके। और सॉफ्टवेयर आईटी की कंपनियां अमेजोन, अच्छा, सैमसंग, रिलायंस रिटेल, TCS, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, विप्रो, तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर विजिट करती है, तो बहुत अच्छी बात है। फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बराबर, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बोला है फ़ी स्ट्रक्चर फॉर 2022-23, बराबर, तो जो बोला है वो मैं आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स का अगर टोटल फीस में यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखते हैं टोटल फीस बन जाता है 85,000 के आसपास, ठीक है, ओके। और जिनको डिस्काउंट होता है, मतलब कंसेशन होता है, यहाँ पे डेवलपमेंट फी ज़्यादा है, 39,000 है यहाँ, ठीक है, बाकी तो ट्यूशन फ़ी कम है, 15,000 है, तो TFWS के लिए ट्यूशन फ़ी नहीं होता है, तो उनका बन जाता है 70,000। और रिजर्व ST के लिए तो और भी कम है, 4,800 है। उसके बाद एडमिशन अंडर अदर स्टेट के अगर बोलते हैं तो 28,000 उन्होंने बोला है, ठीक है। तो आई होप आपको फीस स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो अब देखते हैं कट ऑफ, पिछले साल का कैपराउंड वन का कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, सिविल के लिए भी काफ़ी हाई कट ऑफ है, तो स्टेट लेवल पे कट ऑफ है, ऑटोनोमस कॉलेज है 85% ओपन कैटेगरी के लिए, SC के लिए 78, ST के लिए 65, VG के लिए 79, EWS का यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, TFWS का 88%। और मैं आपको बता दूँ ऑल इंडिया कट ऑफ, मतलब यहाँ JEE मेन से आई होप यहाँ पर एडमिशन नहीं होता है, बराबर, इसलिए JEE मेन के लिस्ट में इसका कट ऑफ का ये नहीं था, नाम ही नहीं था इस कॉलेज का, तो यहाँ पर JEE मेन से एडमिशन नहीं होता है। तो COEP कॉलेज का भी JEE मेन का एडमिशन नहीं होता था, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं अभी इस साल होने वाला है JEE मेन का, तो इस कॉलेज का भी वैसा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि इस साल JEE मेन से होने वाला है या नहीं, ओके। तो आगे बात करते हैं हम, कंप्यूटर साइंस का देख सकते हो 96% बराबर MHT CET से, तो काफ़ी हाई कट ऑफ है, वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़ लेना, ओके। तो IT का भी देख सकते हो, उसके आसपास ही कट ऑफ है। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल का, उसका भी काफ़ी हाई, 87%। ENTC का भी काफ़ी, 90% के ऊपर ही है सारा का सारा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन का भी 75% है ओपन के लिए, और मैकेनिकल का भी काफ़ी हाई है यहाँ पर, देख सकते हो आप, ठीक है। तो सारे कोर्सेज का कट ऑफ हाई है, क्योंकि यार सारे लोग चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज पहले लेंगे, बाद में देखते हैं फिर, ठीक है। और इस कॉलेज की नेगेटिव चीज़ ऐसी कोई नहीं, ऑटोनॉमस है, तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी होती है, ऑटोनॉमस होने की वजह से फिर डिसीजन प्रोसेस वगैरह फास्टर होता है, ठीक है। तो आई होप मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं कॉलेज के बारे में, एक ओवरव्यू आइडिया, लेकिन फिर भी कोई ऐसा पॉइंट जो इस कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हो, वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बता देना, कोई भी अच्छी चीज इस कॉलेज के बारे में जो सबको पता हो, अगर आपको जो न्यूली एडमिशन लेने वाले उनको पता हो, ऐसा लगता हो तो ज़रूर कमेंट कर देना, बाकी लोगों को हेल्प हो जाएगी आपकी वजह से, ठीक है। तो वीडियो लाइक ज़रूर करना हेल्पफुल लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके एडमिशन से लेके करियर तक ये चैनल आपको हेल्प करेगा। तो रुकते हैं यहाँ पर, मिलते हैं एक और ऐसे ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।